कैपिटल अंपायर एवं प्लैटिनम ग्रुप अपार्टमेंट के संयुक्त विद्यमान से रातकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सोसाइटी के क्रिकेट मैदान में 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक किया गया था। इस आयोजन में बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने सहभाग लिया। रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में स्वस्थ जीवन के मद्देनजर खेल काफी आवश्यक है और बात करें क्रिकेट की तो यह खेल मात्र गेंद बल्ले का संयोजन ही नहीं तो ऊर्जा और उत्साह का समागम है। ऐसे महत्व को ध्यान में रखते हुए ऑर्बिटल अंपायर एवं प्लैटिनम ग्रुप अपार्टमेंट के संयुक्त विद्यमान से रातकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सोसाइटी के क्रिकेट मैदान में 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक किया गया था। इस आयोजन में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने सहभाग लिया, जहां समापन कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, अतुल गुर्दे पाटिल, सुरेश गुर्दे पाटिल, रता करमुलिक आदि विशेष रूप से मौजूद थे। इस कार्यक्रम के आयोजन में पंकज इंगले, समीर दिलीप पाठक, विवेक वातफले, आदित्य वातफले आदि ने विशेष रूप से सहयोग दिया है। जानकारी देते समय आयोजक सदस्य ने बताया कि इस टूर्नामेंट के दौरान 12 टीमों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, जहाँ कुल 32 मैच हुई। उद्देश्य ये है सर कि यहाँ पे जो सोसाइटी है, यहाँ पे ऑर्बिटल एम्पायर, प्लैटिनम ग्रीन, आकाश स्टेट, ये ऐसी सोसाइटीज है, तो ये सोसाइटी से हम लोग हर रोज क्रिकेट खेलते हैं सवेरे। सो हमने ये मन में लाया कि क्यों ना हम लोग, अभी ये ठंड का मौसम है और क्रिसमस की छुट्टियाँ होती है, तो क्यों ना हम लोग इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करें जिसमें नाइस टूर्नामेंट में हम लोग युवा खिलाड़ी हो, चाहे एज वाले लोग हो, चाहे बच्चे हो, इन सभी का हमने एक जगह पे गैदरिंग हो, एक जगह पे एक अच्छा वातावरण सोसाइटी में रहे और निरोगी जीवन सभी का रहे, उस प्रोस्पेक्टिव से हमने ये टूर्नामेंट का आयोजन किया, जो कि 26 तारीख को शुरू हुआ था और आज उसका समापन होने जा रहा है 4 तारीख को। टोटल 12 टीम्स आई थी, इसमें 12 टीम के तहत 30 से 32 मैचेस हुई और अभी ये जो मैच चल रहा है ये फाइनल मैच चल रहा है। इसके साथ बहुत अच्छा रहा सर, अगर मैं बताऊं कि हमारी ये जो संकल्पना थी जब हमने ये मन में लाई, सोसाइटी के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स लोग हैं, जैसे आपको पता है ये सोसाइटी हमारी श्री सुरेश भाऊ गुर्दे पाटिल, श्री प्रफुल्ल भाऊ गुर्दे पाटिल, श्री अतुल भाऊ गुर्दे पाटिल, इनकी ये सोसाइटी है, तो सबसे पहले हमें ये संकल्पना उनके सामने रखी और उन तीनों ने हमें इतना अच्छा प्रतिसाद दिया कि उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स हमारे एकता के लिए, हमारे युवा वर्गों के लिए और हमारे एक फैमिली के लिए ये प्रोग्राम होने चाहिए। उन्होंने तुरंत हमें प्रतिसाद दिया, जैसे उन्होंने प्रतिसाद दिया वैसे हमें स्पॉन्सर्स जो है, हमारे सोसाइटी के जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, उन बिजनेसमैन लोगों ने हमें फंडिंग की, स्पॉन्सरशिप दी और उस स्पॉन्सरशिप के तहत हमने ये प्रोग्राम आज अरेंज किया है। जी जरूर, ये सोसाइटी में बड़ा हेल्दी एटमोसफियर है, हम यहाँ पे गणपति फेस्टिवल है, देन नवरात्रि में दुर्गा पूजा का जो गरबा फेस्टिवल है, देन दही हंडी का प्रोग्राम है और क्रिकेट्स के भी ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, बच्चों के लिए अदर एक्टिविटीज के भी इवेंट्स इस सोसाइटी में होते रहते हैं। इस आयोजन के विषय में खुशी जाहिर करते हुए विशेष अतिथि प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल ने विजेता टीम का अभिनंदन किया तो वही खेल के महत्व को विदित भी किया। साथ ही साथ ऐसे प्रतियोगिताओं के जरिए यकीनन देश का भविष्य प्रगल्भ होगा, यह विश्वास जाहिर किया। ऑर्बिटल एम्पायर रेसिडेंशियल असोसिएशन ने अत्यंत सुंदर असा क्रिकेटचा टूर्नामेंट आयोजित केलेला आहे, ते विशेष म्हणजे पूर्ण क्रिकेटचे नियम पाळून आणि त्याचा आयोजनाचा जो दर्जा आहे अत्यंत सुंदर आहे। रात्रकालीन टूर्नामेंट आहे आणि त्यामध्ये सर्व ह्या भागातल्या रहिवाशांनी 10-12 टीम्सनी सहभाग घेत त्याचा खेळाचं प्रदर्शन केलेलं आहे आणि अत्यंत सुंदर आयोजन झालेलं आहे आणि पोरंसुद्धा इथे चांगल्या दर्जाचं खेळ सुद्धा इथे खेळताना आपण बघतोय। मला असं वाटतं की अशा पद्धतीच्या टूर्नामेंटच्या माध्यमातून लोकांमध्ये एकोपा निर्माण होतो, बंधुचारा निर्माण, भाईचारा निर्माण होतो आणि एक नेतृत्व गुणसुद्धा अशा टूर्नामेंटच्या माध्यमातून उदयास येत असते। मी खरोखरच ह्या सर्व आयोजकांना, ज्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन ही टूर्नामेंट यशस्वी पूर्ण केली, त्या सर्व आयोजकांना मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। गौरतलब है कि ऑर्बिटल अंपायर एवं प्लैटिनम ग्रुप अपार्टमेंट के संयुक्त विद्यमान से आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कॉलोनी के बच्चों से लेकर युवा एवं बुजुर्गों ने भी सहभाग लिया। जब बच्चों ने शिक्षा ली, युवाओं ने अनुभव लिया तो वहीं बुजुर्गों ने मिसाल जाहिर की कि हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हौसले के साथ खेल सकते हैं। इस वक्त विजेता टीम ने खुशी जाहिर की और इस समय प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, अतुल गुर्दे पाटिल, सुरेश गुर्दे पाटिल, रत्ना करमुलिक आदि के हाथों पुरस्कार वितरित किया गया। सबसे पहले तो बहुत अच्छा खुशी का वातावरण है क्योंकि हमारी टीम में आप देख सकते हैं कि छोटे से लेके बड़े प्लेयर तक है। जैसे हमारे सबसे छोटा प्लेयर की उम्र है 11 साल, सार्थक, और हमारे उनके पिताजी भी हमारी टीम में, आशुतोष मामा, जो
46 ईयर्स के, हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ टीम है कि हम लोग यूथ को ज्यादा डेवलप करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी टीम में ज्यादातर यंगस्टर है जो 10वीं 12वीं ऐसे है, और पहले हम लोग को जैसे पता चला कि टूर्नामेंट है तो हम लोगों ने एक टीम मीटिंग बुलाई कि हम लोग कर सकते हैं, तो सब लोग तैयार थे, बिजी शेड्यूल था, बच्चों का भी 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, फिर भी बोले कि भैया नहीं हम लोग खेलेंगे, तो उनका जोश काफी ये था, तो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिला और सभी लोगों का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है टीम में, तो उसी की वजह से हम लोग जीत पाए। तो ये जीत जो आप गए, तो जीत का जश्न आप कैसे मनाने वाले? जीत का जश्न तो बट ऑब्वियस है, बच्चों को सबसे पहले कुछ ना कुछ मोटिवेट करेंगे, जैसे कि उनको कुछ ना कुछ खिलाने ले जाएंगे, बच्चों को खिलाने के लिए एक्चुअली उनको वही चीज का आनंद रहता है बच्चों को, कि हमको कुछ अच्छा खाने मिले, बाहर जाके थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो, तो बस वही करके उनको एक रिफ्रेशिंग पार्टी देंगे। पार्टी टाइम, या डेफिनेटली। कैमरा पर्सन अजय कुवर के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।